भाई देख कितना छोटा सा आदमी दिख रहा है, मेरे को संभाल के वो गिर भाई, लेकिन कितना मजा आ रहा है। वो देख ऊपर कितने सारे कलर का बना हुआ है। ओ भाई पंछियों, वो देख माउंटेन्स के पीछे भाई, वो देख अपनी लेक, राजा भोज वाला। हाँ, और ये हबीबगंज स्टेशन क्या नाम था इसका? कमलापति, कमलापति रानी कमलापति स्टेशन। कितना बड़ा तिरंगा बल्लभ भवन। हाँ अभी वो देख कितने अच्छे लग रहे हैं, देख छोटे छोटे घर, लेगो वाले, छोटा कैसे चिपका दो भैया। एक्सपीरियंस सबसे अच्छा है ना, सबसे अच्छा एक्सपीरियंस है भाई। लेकिन वो कैसे रहा? इसके पीछे बहुत अच्छी वजह है, उसके लिए हमें हमारी क्लासरूम में चलना होगा। तो आ चुके देखो हम क्लासरूम में। सो इन लोगों का क्या डाउट था, आपने भी सुना होगा कि हमारा हॉट एयर बलून बन कैसे रहा है। लेकिन इसके पहले हमें एक डायग्राम बनाना होगा, जिसका आप वीडियो अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। तो आपने देखा कि हमारी ड्राइंग बन चुकी है, हमारा जो डायग्राम है वो मेन बन चुका है। तो आपने भी हमारे स्क्रीन पे देखा होगा कि हम इस पे घूम रहे थे, अभी हम हॉट एयर बलून में घूम रहे थे, जैसे देवराज, मैं और देवांश भी घूम रहे थे, आपने देखा। लेकिन देवराज और देवांश का एक क्वेश्चन था, क्या क्वेश्चन था? कि ये उड़ कैसे आता कैसे है? तो इसके पीछे बहुत अच्छी कह सकते हैं, यह बहुत इजी चीज है, लेकिन इसके लिए आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा। तो आपने यहाँ देख सकते हैं, यहाँ मैंने कुछ बनाया है, ये फेस जैसा लग रहा है। हाँ। लग रहा है ना? हाँ। लेकिन ये फेस नहीं है। आप अगर यहाँ ध्यान से, मैं आपको बताता हूँ, ये एयर है। क्या है? एयर। लेक, और ये हमने यहाँ पे एक सन बना दिया। हाँ। क्या बना दिया? सन। ठीक है, और सन से यहाँ पे क्या मिल रही है? हीट, हीट मिल रही है। तो अगर आपने इवेपोरेशन का नाम तो सुना ही होगा, सुना है? सुना है। हाँ। क्या होती है इवेपोरेशन? इवेपोरेशन वो होती है जैसे पानी भाप बन के उड़ जाता है। हाँ, तो उसे हम क्या कहते हैं? इवेपोरेशन। तो उसके जैसी एक वजह, अगर हमारी एयर में हीट प्रोड्यूस हो जाए, एयर में हीट मिलने लगे, जब हमारी जो एयर है वो गर्म हो जाए, तो धीरे 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 करके आसमान में उड़ने लगती है, क्योंकि जो एयर, हमारी जो लाइट एयर है, उसका जो वेट रहता है कोल्ड एयर से हल्का होता है, इसलिए वह आसमान में उड़ता है। इसके पीछे पूरी वजह लगती है हमारे हॉट एयर बलून के उड़ने से। क्यों? मैं आपको बताता हूँ।
हॉट एयर बलून में आपको यहाँ पे एक फ्लेम, एक जो ऐसा आग देता है या उसमें गैस देता है जो क्या रहती है, जो हॉट रहती है, जो हमारी गैस रहती है वो हॉट रहती है। तो उसकी वजह से जो हमारा ये हॉट एयर बलून है इसके अंदर क्या बनना चालू हो जाता है, हॉट एयर बनना चालू हो जाती है। तो धीरे धीरे जैसे ही हॉट एयर बढ़ेगी तो उसका जो ऊपर का पैराशूट टाइप स्ट्रक्चर है वो धीरे धीरे उठना चलना जाता है। और इसके पीछे इसको कंट्रोल करने की भी ट्रिक है। क्या मैंने आपको ये तो बता दिया कि हॉट एयर से चलता है, हॉट एयर क्यों, क्योंकि हॉट एयर लाइट होती है इसलिए वह आसमान में उड़ती है। लेकिन आपने देखा, अगर आप ये भी आपके बहुत से लोगों के मन में ये डाउट होगा कि आपने कभी ये सोचा है ये चल तो गया ऊपर, ऊपर चल के उसको नीचे कैसे उड़ाएंगे, लेकिन आपका भी ये डाउट है। यस, लेकिन जो अपन हीट रहती है उसको अपन स्लो मींस बंद कर देंगे तो डायरेक्ट नीचे आ जाएगा। हाँ, आप सही समझे। जैसा मैंने आपको बताया कि हॉट एयर जो है वो आसमान में उड़ तो सकती है, लेकिन आप वो ठंडी होकर वो नीचे भी आ सकती है। तो सेम प्रोसेस हम इसमें भी, जो उसमें फ्लेम, जो उसमें फ्लेमर है उसको अगर हम धीमा कर दें या फिर उसको थोड़ी देर के लिए बंद कर दें तो वो धीरे धीरे नीचे आने लगा। क्यों? क्योंकि जो हमारी लाइट, हमारी जो हॉट एयर है वो तो खत्म हो गई, तो जो हमारी कोल्ड एयर है वो नीचे आएगी क्योंकि वो हैवी होती है, हैवी है। इसी वजह से हमारा जो हॉट एयर बलून है ऊपर से नीचे होता रहता है। यही वजह है कि हमारा हॉट एयर बलून जो हमारा आसमान में भी उड़ता है और नीचे भी आता है। आप में से बहुत से लोग होंगे जिन्होंने हॉट एयर बलून में सफर, जो उसमें जो करा होगा, ट्रैवल किया होगा, जिनने किया है प्लीज कमेंट डाउन, उसमें आप अपना एक्सपीरियंस बताना। हमने अपना एक्सपीरियंस तो आपके साथ शेयर किया, भले ही वो आपको पता चल गया होगा, भले ही वो रियल नहीं है, लेकिन वो एक्सपीरियंस हमने आपको समझाने के लिए बहुत अच्छे से किया था। सो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, चैनल बनाओ, सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं जल्दी ही नेक्स्ट वीडियो में। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय।